हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय बिहारी। इन दिस वीडियो आई ट्राई टू एक्सप्लेन मैग्नेटिज्म एंड मैटर ऑफ चैप्टर 5 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड। सो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हम अभी करवाएंगे वो सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में। सो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सब साल इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड होता है। या आप जेई का एग्ज़ाम देते हैं या नीट का, कोई भी चीज़ का, सब में क्वेश्चन जो होता है प्रीवियस ईयर वही रिपीट होते रहता है। तो बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन रिपीटेड होता है। जैसे फिर देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2005 में भी और 2018 में भी पूछा हुआ है। सो आई होप यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो क्वेश्चन नंबर वन, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एम is cut into two part of equal length. The magnetic moment of either part, मतलब एक magnet है बार magnet, उसका magnetic moment m से हम दो पार्टों में काट रहे हैं, तो उसका जो magnetic moment होगा वो जो और जो बचा हुआ पार्ट का उसका निकालना है। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे m equal to क्या होता है, m equal to होता है magnetic moment into 2L, 2L क्या है, लेंथ है, लेंथ दिया। अगर हम किसी भी मैग्नेट को देखें, यहाँ पे एक मैग्नेट है और मैग्नेट को हम हाफ पार्टों में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक पार्ट m बाई टू और इधर भी हो जाएगा m बाई टू, और इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो क्या है, 2L जो है वो होगा। तो फिर इसको हम फार्मूला पे देखते हैं क्या होता है, फार्मूला पे इसको बैठाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं m डैश निकालना है, m डैश इक्वल टू m बाई टू इंटू 2L, तो m by 2, 1 by 2 into m into 2L करेंगे, 12 करके फिर इसको यहाँ से फिर काटेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा क्या होगा, m dash equal to m by 2, तो इसका आंसर क्या होगा, B होगा। सो B इज द करेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये 2005 और 2018 में पूछा गया था। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में बोलता है द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन फ्रॉम, अगर डाइपोल मोमेंट में जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन बोल रहा है क्या होगा, तो होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन फ्रॉम क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। तो इसका होगा आंसर ए होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम एंड एल इज बेंड इनटू शेप ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, व्हाट विल बी इट्स न्यू डायपोल मोमेंट, नया डायपोल मोमेंट जो होगा वो बताना है। तो इसके लिए हम एक फिगर बना के फिर उसको हम बताते हैं। अब हम एक सेमी सर्कल बना के इसको हम दिखाते हैं ये कैसे होगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। रेडियस आर ये यहाँ का हो गया, ये मिड पॉइंट और रेडियस आर दिया हुआ है, तो इसका जो है वो निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम इसको होता है सरकमफेरेंस ऑफ सेमी कंडक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, जो सरकमफेरेंस होगा सेमी कंडक्टर तो वो उतना लेंथ ऑफ वायर है, तो उसको हम लिख सकते हैं पाई आर एल को जब करेंगे तो क्या होगा, एल यहाँ पे इक्वल आर इक्वल टू एल बाय पाई इसका वैल्यू आ गया। तो फिर अब हम उसका एम डैश निकालेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ सेमी कंडक्टर हम निकालेंगे एम डैश। तो एम डैश निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे एम डैश इक्वल टू एम इंटू टू आर, सो एम डैश इक्वल टू एम इंटू टू इंटू एल बाय पाई। सो अब हम लिखेंगे m इंटू टू एल बाय पाई। सो अब इसके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे m डैश इक्वल टू क्या होगा 2m बाय पाई।
सो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2m बाई पाई। 2m बाई पाई ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं अब सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है। सी में m बाई पाई है और डी में 2m बाई पाई, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है परमीएबिलिटी म्यू ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो परमीएबिलिटी होता है वो क्या होता है, म्यू का वैल्यू क्या होता है, म्यू का वैल्यू क्या होता है, लेस देन वन से जो है उसका वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है द मैग्नेटिक परमीएबिलिटी म्यू ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज गिवेन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन मटेरियल बी टू द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्लेस्ड। तो म्यू का जो वैल्यू है वो क्या होगा, उसका जो रेशियो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए यहाँ पे लिखाते हैं म्यू इक्वल टू होता है बी बाय एच। यहाँ पे ये जो है क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स बी दिया हुआ है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और जो एच है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, ये म्यू जो दिया हुआ है वो है परमीएबिलिटी। तो इसके फॉर्मूला पे हम इसको लगाते हैं, जिसमें बी का जो वैल्यू होता है, बी का वैल्यू इज लेस, बहुत ज़्यादा होता है एच के वैल्यू से। सो द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सो बी इज़ वेरी लार्ज देन एच। एच का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है। सो अब हम कह सकते हैं परमीएबिलिटी ऑफ म्यू, म्यू का जो परमीएबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन वन से जो है वो बड़ा होता है। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है द एस आई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ जो होता है उसका एस आई यूनिट क्या होता है, तो पोल स्ट्रेंथ का एस आई यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर होता है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पे होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ गुने लेंथ, ये फॉर्मूला होता है डाइपोल मूवमेंट का। और अगर इसमें हमको पोल स्ट्रेंथ निकालना है तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को अगर हम रेशियो करेंगे उसके लेंथ से तो पोल स्ट्रेंथ का जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा। तो पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है ए माइनस एम ए स्क्वायर बाई एम। तो एक एम से एक एम कट गया तो क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा उसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द मैग्नेटिक मोमेंट का जो होता है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द, अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पोल स्ट्रेंथ गुने लेंथ, जो कि हम पिछले वाले में भी देखे थे। यहाँ पे जो है दिया हुआ है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, वही सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर आपको आते रहेगा तो रिपीटेड आप इस क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर आपको फार्मूला अगर पता है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करके फिर लिख सकते हैं एम इक्वल टू एम इंटू टू एल। इस फार्मूला को अप्लाई करके आप यहाँ से उसका एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट इसका होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजेस 4 टाइम देन द टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंड मैग्नेटिक नीडल बिकम्स। सो यहाँ पे बोल रहा है जब हम इंक्रीज करेंगे 4 टाइम्स अगर मैग्नेटिक फील्ड को तो उसका टाइम पीरियड जो होगा वो कितना होगा। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई इंटू बेसिकली 2 पाई इक्वल टू आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया बाय एम इंटू
बी। इस फॉर्मूला पर हम लगाएंगे तो टी होता है टाइम, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय अंडर रूट बी। फिर इस डेरिवेशन को हम सॉल्व करने के लिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड लिखेंगे टी वन बाय टी टू इक्वल टू अंडर रूट बी टू बाय बी वन। सो अब टी वन टी टू को यहाँ पे रूट हटानेंगे और फोर टाइम्स बोल रहा है, तो फोर टाइम्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब लिखेंगे टी वन बाय टी टू इक्वल टू फोर बी वन बाय बी टू, बी टू का जो यहाँ पे होगा वो अंडर रूट में आएगा। सो इसको देखने के लिए हम लिखते हैं, अगर हम फिर टी टू लिखेंगे, टी टू निकालना होगा तो क्या होगा, टी वन का जो हो क्या होगा वो हाफ होगा। द टाइम पीरियड सस्पेंड मैग्नेटिक नीडल बिकॉम क्या होगा, ये उसका वैल्यू क्या होगा, हाफ, आधा आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ डेरिवेशन। सो इस टाइप का पूछता है कभी कभी, सो 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ परमीएबिलिटी। सो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो डायमेंशन जो क्या होता है, जब अगर आपको परमीएबिलिटी का एसआई यूनिट पता होगा तो उसे निकालते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है, परमीएबिलिटी का हेनरीज होता है, तो डायमेंशन उसका क्या होगा, एम्पियर पर मीटर को अगर हम तोड़ेंगे। सो देखिए इसका डायमेंशन निकाल लेंगे तो होगा एम्पियर पर मीटर को अगर हम देखेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट इक्वल टू 4πRF डिवाइडेड बाय I1 बाय I2 इंटू L। सो इस फॉर्मूला से अगर हम निकालेंगे तो इसका जो है म्यू नॉट का जो वैल्यू है परमीएबिलिटी उससे आ जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो आता है MLT-2I-2। सो इसका आंसर होगा A इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो चलते हैं हम नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निकेल जो है वो क्या है। पहला में दिया हुआ है डायमैग्नेटिक, और फिर बी में दिया हुआ है पारा मैग्नेटिक, और सी में है फेरो मैग्नेटिक, एंड डी इज़ द नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखेंगे तो निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 28 होता है निकेल का एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे तो इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है द सब्सटेंस विच इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगाएंगे उसमें तो मैग्नेटाइज स्ट्रांगली होगा, तो उस टाइप के हम सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो निकेल जो है वो क्या करता है, उस टाइप का प्रॉपर्टी शो कर जाता है। अगर हम यहाँ और इसके बीच में अगर हम निकेल डाल दें, ये जो है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा जब सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास करवाएंगे, तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, मतलब नज़दीक में उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस टाइप के हम सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो निकेल इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द आंसर इज सी। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर टेन बोल रहा है द इन टेन ए एंड टेन बी पोजिशन ऑफ ए मैग्नेट द मैग्नेट फील्ड एट डिस्टेंस डी दिया हुआ है एंड रिप्रेजेंट बाई बी वन एंड बी टू, बी वन और बी टू दिया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा उसी से पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्योंकि मैग्नेटोमीटर का यूज हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ है या नहीं है। तो टेन ए और टेन बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करके फिर हम यहाँ पे निकालेंगे। तो बी वन जो दिया हुआ है वो है बी वन इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π। सो कलर चेंज कर लेते हैं, म्यू नॉट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 4π इंटू 2 इंटू एम डी बाय डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। ये 10a का पोजीशन दिया हुआ है और 10b में भी यही करेंगे, और उसको क्या करना है 3 बाई टू यहाँ पे दिया हुआ है बी टू का वैल्यू,
ऑप्शन से आप इलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 3/2 करके यहाँ पे दिया हुआ है इसका B1 और यहाँ पे B2 दिया हुआ है। तो अगर हम D का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा L से सबसे ज़्यादा, तो B1/B2 का जो रेशियो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो उसको देखने के लिए B1/B2 को हम काटेंगे, तो फिर B1 का जो वैल्यू आएगा B1 = μ0/4π (2m/dQ। सो अब हम आते हैं B2 का, तो B2 जो आएगा वो आएगा μ0/4π (m/dQ। तो B1/B2 करेंगे, B1/B2 = 2 = B1 = क्या होगा 2B2, क्योंकि अगर हम इसको इधर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 2B2 मल्टीप्लाई हो जाता है, और B1 का वैल्यू आएगा 2B2 आएगा। तो जो यहाँ पे क्या होगा, D का वैल्यू इज ग्रेटर जो होगा 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, L जो उसका जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसमें जो है जो बोल रहा है देन रिस्पेक्टिवली, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो है वो A ऑप्शन को भी सेटिस्फाइड करता है और C में जो ऑप्शन दिया है उसको भी सेटिस्फाइड करता है। तो दोनों का आंसर जो है D में दिया हुआ है, सो इसका आंसर D इज़ द करेक्ट आंसर। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेटमेंट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो है वो डिफरेंस बताना है, 2 कैरेक्टरिस्टिक जो है उसमें डिफरेंस बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, इसमें देखते हैं, इसमें दिया हुआ है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड वीकर फील्ड देन द मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर। वो क्या होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो अट्रैक्ट होता है वीकर फील्ड की तरफ। वीकर फील्ड मतलब जिधर कमज़ोर फील्ड होगा उधर क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा। सो वीकर फील्ड की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, और स्ट्रॉन्गर टू वीकर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ से लेके वो वीकर की तरफ जाता है। मतलब जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर से पास होगा, और वो जहाँ पे कमज़ोर मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर की तरफ उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर यही होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स कहीं से भी उसका कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं से भी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मतलब कमज़ोर से लेके जहाँ से कमज़ोर होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसका जो नंबर्स ऑफ लेंथ इज़ पासिंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड का जो नंबर्स ऑफ लाइन होगा वो जहाँ पे बहुत कम होगा, और कहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका, तो उधर से पास करेगा। तो ये क्या हो रहा है वीक टू स्ट्रॉन्ग मतलब वो कमज़ोर से लेके जा रहा है मजबूत की तरफ, और यहाँ पे क्या हुआ है स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों आप पॉइंट याद रख लीजिए, फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में डिफरेंस पता चल जाएगा। और सेकेंड दिया हुआ है देयर परमियाबिलिटी इज लेस देन म्यू का जो वैल्यू होगा, देखिए म्यू का जो वैल्यू है वो क्या है वन से कम है। सो और इसमें क्या है म्यू का जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, इससे आपको 2 यहाँ पे डिफरेंस मिल गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जो है मूव हो रहा है कॉइल, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो रेडियस की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसको बताने, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है द प्लेन ऑफ कॉइल रिमेंस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो द गैल्वेनोमीटर इज लीनियर। गैल्वेनोमीटर क्या होगा वो लीनियर होगा जब पैरेलल की तरफ उसका कॉइल जो होगा वो पास करेगा, पैरेलल मीन्स ऐसे जाएगा। तो इसका जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो वो क्या होगा गैल्वेनोमीटर वो लीनियर होगा मतलब हिंदी में उसको बोल सकते हैं रेखीय, मतलब वो एक लाइन की तरफ से होगा।
सो अब सेकेंड में दिया हुआ है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द फ्लैट पीस ऑफ मैग्नेट। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो होगा वो जो प्रोड्यूस करेगा वो फ्लैट, मतलब वो नीचे की तरफ से ऐसे नीचे की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो इस टाइप के मैग्नेट को गैल्वेनोमीटर से मेज़र किया जाता है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड पर मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और पर मैग्नेट में जो डिफरेंस होता है उसको बताना है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम देखने के लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो नाम से इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब तक उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कॉइल के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम घुमाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पास जब तक कॉइल के अंदर होगा तो उसमें क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है इट इज़ स्लो टेम्पोररी मैग्नेटिज्म, मतलब स्लो होता है उसमें, और मैग्नेटिज्म क्या होता है टेम्पोररी, मतलब जब तक उसमें करंट पास होते रहेगा तब तक उसका जो मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है उसको शो करेगा। इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एज लॉन्ग एज करंट फ्लो इन इट कॉइल। सो वो जो है प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड जो करंट जो फ्लो होता है उसकी तरफ दिखाता है, जब तक करंट फ्लो होता है तब तक ही उसमें मैग्नेटिज्म का जो प्रोसेस है वो शो करता है। और पर मैग्नेट क्या होता है, पर मैग्नेट में जो क्या होता है इट इज़ स्लो पर मैग्नेट, दैट मीन्स इट रिटेन द मैग्नेटिज्म इवन वेन द करेंट इज स्विच ऑफ। अगर हम करेंट को ऑफ भी कर देते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती थी, क्योंकि ये परमानेंट जो होता है जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट है। तो दोनों में डिफरेंस यही हो गया कि अगर एक में हम करेंट पास करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में तब तक उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा, और पर मैग्नेट में होगा कि जब तक हम उसमें करेंट पास करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं फिर भी वहाँ पे मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी शो करेगा। सो सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट में देखते हैं द प्रायोरिटीज ऑफ ए इलेक्ट्रो मैग्नेट कैन बी चेंज बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है डायरेक्शन ऑफ करेंट, रिवर्स हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। और पर मैग्नेट में क्या होता है, द पोलराइट ऑफ पर मैग्नेट इज कैन नॉट बी चेंज, वहाँ पे क्या होता है कोई भी चेंज नहीं होता है पर मैग्नेट में। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होते रहता है, उसका जो डायरेक्शन होता है करंट का जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्सली चेंज होते रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है जब तक हम करंट पास करते रहते हैं तब तक वहाँ का जो है मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी होता है उसको शो करते रहता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड पर मैग्नेट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 में जो है वो दिया हुआ है एट ए प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेट इज अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ इट्स वर्टिकल कंपोनेंट वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द प्लेस। वहाँ पे एंगल ऑफ डीप बताना है वो क्या होता है वर्टिकल के लिए और हॉरिजॉन्टल के लिए। तो यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे इस चीज़ को, ये क्वेश्चन 2008 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है। सो हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी पूछ दे, सो आई होप यू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो है हम जो हॉरिजेंटल होगा उसके लिए हम लेंगे बी एच, और जो वर्टिकल होगा उसके लिए हम लिखेंगे बी वी। तो यहाँ पे जो है वो क्या दिया हुआ है, बी वी का वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट 3। सो बीवी का जो वैल्यू दिया है वो क्या है अंडर रूट 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या लगाएंगे टेन का वैल्यू जो है वो लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एंगल ऑफ डीप का फॉर्मूला क्या होता है टेन सिग्मा इक्वल टू बी वी बाय बी एच। तो एंगल ऑफ डीप यहाँ पे ये जो है ये सिम्बॉल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो एंगल ऑफ डीप निकालने के लिए टेन सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या होगा बी वी बाय अंडर रूट बी वी। तो बी वी कट गया तो यहाँ पे क्या होता है 1/√3 आ रहा है। तो अगर हम टेन का वैल्यू अगर हम लिखते हैं, टेन का जो वैल्यू होता है वो 1/3 अंडर रूट 1/3 कब होता है जब उसका एंगल क्या होता है 30 डिग्री जब होता है। तो यहाँ पे क्या होगा एंगल ऑफ डीप इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होता है अंडर रूट 1/3
इक्वल टू इसका वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री पे जो है वो उसका जो वैल्यू है वो मतलब उस पे जो है जो प्लेस्ड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का है अंडर रूट 3 टाइम्स इन इट्स वर्टिकल कंपोनेंट जो है 30 डिग्री पे वो जो है वो आ जाएगा। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 में जो है यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो यहाँ पे दिया हुआ है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन द एक्सिस ऑफ इक्वेटर ऑफ ए इज शॉर्ट बार। तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है और इक्वेटर जो है शॉर्ट बार का वो बताना है। तो इसका जो आंसर है वो दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ शॉर्ट बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मीन्स हो गया उसका जो एंगल वाला पॉइंट होता है वो एक्सियल पॉइंट इज गिवन बाय बी एक्सियल इक्वल टू क्या है म्यू नॉट 2m/4πr³। जो वो दिया हुआ है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ m, m मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसकी तरफ उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट 2m/4πr³। तो यहाँ पे जो r है वो दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। r जो है जो दिया हुआ वो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसके लिए दिया हुआ है और एम जो है जो उस वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एम। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ शॉर्ट बार मैग्नेट एट इक्वेस्ट्रल पॉइंट इज गिवन बाय जो उसका जो इक्वेटरल पॉइंट है वो दिया हुआ है बी इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे म्यू नॉट m/4π जो कि अपोजिट डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है चेंज यहाँ पे जो है उसके अलोंग जो रहेगा तो अलोंग में क्या हो रहा है 2m आ रहा है और जो अलोंग नहीं है वहाँ पे m का वैल्यू क्या है m आ रहा है मतलब उसके अपोजिट में जा रहा है तो उसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर जा रहा है उनके दोगुना से। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है एक न्यूमेरिकल टाइप का। ये क्वेश्चन भी दो बार पूछ दिया है 2001 एंड 2011 में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एट ए प्लेस्ड ऑन अर्थ द वैल्यू ऑफ बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल में जो दिया हुआ है उसका वैल्यू दिया है 0.1732 ऑस्ट्रेज एंड द एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ अर्थ बी एट द प्लेस। तो इसमें एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री दे दिया है और हॉरिजॉन्टल में दे दिया है तो फिर इसका जो है जो निकालना है वो क्या है टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालना है वो क्या होगा। तो टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है बी एच इक्वल टू बी कॉस सिग्मा। सो बी इक्वल टू क्या होता है बी बाय कॉस सिग्मा। तो यहाँ पे जो बी का वैल्यू है वो दिया हुआ है उसको हम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं यहाँ पे जो दिया वो क्या हुआ है 0.1732 डिवाइडेड बाय कॉस 30 का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है 2/3 होता है। तो इसको हम देखेंगे 0.1732 इंटू 2/√3। तो इसको जो आप काटिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.199। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.199 ये क्या होगा ऑस्ट्रेट जो इसका वैल्यू आएगा 0.199 जो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेट में आ रहा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। ये दो बार पूछ चुका है तो आप प्रैक्टिस कीजिए हो सकता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में बोल रहा है हेसिस लूप क्या होता है। व्हाट इज द हेसिस लूप विथ इट हेल्प द एक्सप्लेन द टर्म ऑफ रिटेंटिविटी एंड कोएडिमिटी। तो इसका जो है वो दिया हुआ है आप यहाँ पे पढ़ लीजिए यहाँ पे दिखा देते हैं। तो हेसिस लूप में दिया हुआ है द हेसिस लूप रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज ऑफ आई एंड फेरोमैग्नेटिक विथ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है उससे समझाना है। सो मैं यहाँ पे एक ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ग्राफ में जो दिया हुआ है वो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या है
ये क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे जो ए वो पॉइंट दिया वो क्या है, मैक्सिमम सेचुरेशन हो रहा है, मैक्सिमम सेचुरेशन। और एच जो है हॉरिजॉन्टल पाथ में, वहाँ से जब हम यहाँ ओरिजिन से अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, मैग्नेटाइज का जो प्रोसेस है वो इधर बढ़ेगा। यहाँ पे बढ़ने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है। तो यहाँ जब आने के बाद जो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो कर्व फॉर्मेशन, उसको हम देखने के लिए एक सोलेनाइड का यूज़ करते हैं और उसके अंदर एक मतलब आयरन कोर का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे एक सोलेनाइड हम बना लिए। सोलेनाइड को हम क्या करेंगे, एक एसी सर्किट से यहाँ पे जोड़ देंगे। एसी से जोड़ दिए, एसी से जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे हम जो है वो आयरन का यूज करेंगे। ये क्या है, ये है आयरन, आयरन का यूज कर। जब यहाँ से करंट पास होगा तो इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको देखने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो फिर इसको यूज करने के लिए हम एक सोलेनाइड की तरह ही हम एक और सर्किट यहाँ पे बना के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये ले लिए, फिर यहाँ पे बीच में जो है यहाँ पे हम डालेंगे मैग्नेटिक, मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम डालेंगे बीच में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम डालेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये, इसको हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसको जो है हम मैग्नेटोमीटर से जोड़ेंगे, मैग्नेटोमीटर जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो और यहाँ पे हम इसको हम आमीटर से जोड़ देते हैं। आमीटर से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हमको करंट का भी डायरेक्शन चाहिए और बैटरी का यूज़ करते हैं। बैटरी का यूज़ करने से यहाँ पे क्या होता है, जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज यहाँ से अगर हम करंट पास कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से करंट पास होके इस लूप में जाता है और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा उसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हम यूज करते हैं और वोल्टेज से हम करंट पास करेंगे। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन पता चलेगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है वो क्या होता है, जब जब हम किसी भी द मैग्नेटिक फील्ड बी द मटेरियल लाइज ऑन सैचुरेटेड एज द डिप डेप्टेक्ट इन कर्व, सो द एच इज डिक्रीज। एच क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जो हो उसका उसका वो क्या होगा, जीरो होगा। एच इक्वल टू जो एच का जो वैल्यू आएगा वो आएगा जीरो, और बी जो है, बी जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन जीरो आएगा। तो यहाँ पे जब एच का वैल्यू जीरो आएगा तो उसको ही हम बोलते हैं रेटेंटिविटी, रेटेंटिविटी उसी को बोलते हैं। अब को हेडिमेंटी के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे जो को हेडिमेंटी होता है वो क्या होता है, सेचुरेशन इन रिवर्स डायरेक्शन। उसका जो डायरेक्शन होगा, ये जो रिवर्स जो उसका डायरेक्शन होगा उसको हम ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल से जो सी की तरफ जो आ रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ जो है, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल, ये इधर की तरफ जो डायरेक्शन होगा उसी को हम बोलते हैं को हेडिमेंटी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड।